एशिया पैसिफिक कारोबार में सबसे ज्यादा मार्जिन पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ जेके सीमेंट के नंबर्स आप फोकस में रखेंगे। नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यू में 32% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर 2,270 करोड़, ये बड़ा है, रेवेन्यू घटा नहीं है, बड़ा है। सेल्स वॉल्यूम भी 18% बढ़ती हुई दिखाई दी है, हालांकि मुनाफे में दबाव है। तो मुनाफा जो आया वो करीब 161 करोड़ पर आया है। इबिटा में अभी आप देखिए, इबिटा फ्लैटिश आंकड़ा देखने को मिला है। मार्जिन पर यहाँ पर जेके सीमेंट के बिजनेस पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ एस्ट्रल पॉली, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, रेवेन्यू अच्छा खासा है, रेवेन्यू में 73% तक की ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल। मुनाफे में 20% तक का इजाफा, 90 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया। मार्जिन हालांकि दबाव में है, 15% पर, 19% से घटकर 15% पर आए। इबिटा लेवल पर ग्रोथ है 37% की। प्लम्बिंग बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो 74% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, हालांकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एडिसिवल पेंट रेवेन्यू करीब 74% बढ़ा है, मार्जिन यहाँ पर स्टेबल रहे हैं। मुथूट फाइनेंस भी फोकस में रहेगा, ये नतीजा खराब है। ब्याज से आय देखिएगा, 9.5% घटी है, 1540 करोड़ का आंकड़ा। मुनाफा 17% घटता हुआ 802 करोड़ पर आया है। ग्रॉस एनपीए की स्थिति बेहतर होती हुई 2.13% पर एनपीए है। एसेट क्वालिटी में सुधार जरूर है। मार्जिन हालांकि ट्रिम होते हुए और 22 क्वार्टर के लो पर है, जब ये 12.5% के नीचे के मार्जिन आए हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ईयरली देखेंगे आप तो 17 क्वार्टर के लो पर है और क्वार्टरली 25 क्वार्टर के लो पर है। आंकड़ा है करीब करीब 56,690 करोड़ के आसपास का। सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म का कॉल दिया है, टारगेट घटाया है, 1225 का टारगेट था, 1200 किया है। तो नेगेटिव नंबर्स। जी के नंबर्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो रेवेन्यू फ्लैटिश है, 4% बढ़ता हुआ, हालांकि मिस है क्योंकि हमारा अनुमान था 1900 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू आएगा, ये 1846 करोड़ पर आकर टिका। प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर देखने को मिला है, 49% प्रॉफिट पर दबाव देखने को मिला है। मार्जिन एक्सपेक्टेशन थी 16.9% आएंगे, लेकिन मार्जिन घटकर आए हैं 13% के नीचे के। इबिटा पर भी दबाव देखने को मिला है। इस क्वार्टर में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़ा है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 5% घटा है। लेकिन जी एंटरटेनमेंट बाकी कंपनियों की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर भी काफी अग्रेसिव रहा है। वहां पर इनका जो जी 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म है, 43% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। डेली एक्टिव यूजर्स में हाईएस्ट एवर स्टिकीनेस देखने को मिली है, तो वो आंकड़ा दरअसल अच्छा है।